हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर गुड। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बॉटल ट्रैप कैसे फिटिंग करें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस करो, क्योंकि इसीलिए कि मैं कभी भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूंगा। आप लोगों को अगर प्लम्बिंग के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन, और आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो को सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हो बॉटल ट्रैप का बॉक्स मैंने खोल दिया। अभी ये बॉटल ट्रैप है, आप लोग देख सकते हो, और ये दिया हुआ है बॉटल ट्रैप का नाट, जिसमें वाइसर भी साथ में दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को में एंड तक बने रहिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा बॉटल ट्रैप कैसे फिट करना है। इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा। ये रहा बॉटल ट्रैप का पाइप, और ये फ्लांज और वाइसर जो वेस्ट टाइप में लगता है। और आप लोग ध्यान करना दोस्तों, अगर आप लोग बॉटल ट्रैप बेसिन में लगाने वाले हो तो कंसीलेट पॉइंट करने के टाइम में वेस्ट पाइप का जो बेसिन का आउटलेट निकलता हो, पानी की वेस्टेज पानी निकलता हो, वहाँ आप लोगों को बेसिन के सेंटर में वो पॉइंट रखना है। तो दोस्तों ऐसा पहले बॉटल ट्रैप का सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर निकल के और बॉटल ट्रैप कितना दूर तक उसका जो पाइप है बॉटल ट्रैप का कितना अंदर तक जाएगा, इतना अंदर तक बॉटल ट्रैप का पाइप जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा पाइप अगर रख दोगे बॉटल ट्रैप के उतना दूर तक, आप लोग पाइप नहीं देंगे, थोड़ा सा पाइप रख देते हो तो बॉटल ट्रैप में बास मारेगा, उससे अच्छे आप लोग वेस्ट पाइप लगा दो। तो मैं मार्किंग ले लेता हूँ, देख सकते हो हाइट के हिसाब से मैंने मार्किंग लिया सेंटर निकाल के। अभी मैं पाइप लगा के उसका इतना ही काटना है, पाइप में से देख सकते हो इतना ही काटना है। तो मैं आरी ब्लेड से मार्किंग ले लेता हूँ। ये देख सकते हो कट गया। अभी लगाना है बॉटल ट्रैप में। नट को लगा देना है दोस्तों। और यार मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक करो, लाइक करो और लाइक करो। एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाओ मेरे लिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करता हूँ। ऐसा आप लोग लाइक कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है वीडियो बनाया हो तो क्या हुआ, मेहनत का फल मिल गया है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ये टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद उसके बाद में ऊपर का नट वेस्ट कपलिंग में टाइट कर देना है। वाइसर आता है, वाइसर लगाना ना भूले बॉटल ट्रैप में, अगर वाइसर नहीं लगाते हो तो लीकेज करेगा। अभी नापी ले लेना है जो अंदर साइड कितना जाएगा, टेप से आप लोग देख सकते हो पूरा अंदर, मतलब कि एल्बो का पूरा एंड तक आप लोग बॉटल ट्रैप का जो पाइप है ना घुसाओ तो पानी जाएगा नहीं। उसका लेवल में जो बेंड का जो लेवल आता है वहाँ से ही आप लोगों को पाइप वहाँ उतना दूर तक रखना है। देख सकते हो इसको भी मैं कटिंग कर दिया हूँ, अभी लगा देता हूँ। इसमें लगाना पड़ेगा वाइसर और फ्लांज। ये नट और वाइसर लग गया, दूसरा लगाना है अभी फ्लांज और वाइसर। देख सकते हो दोस्तों फ्लांज लग गया, अभी इसमें वाइसर फिट करने वाला हूँ। तो ये जो इस पे में वाइसर लगने वाला है वो भी फिट हो गया। अभी ये नट नट और वाइसर टाइट कर देना है। ये देख सकते हो इसमें वाइसर दिया हुआ है, वाइसर लगाना आप मत भूलिए, वाइसर लगाने भूल जाओगे तो लीकेज करेगा दोस्तों। इसको टाइट कर देना है अभी बराबर वाइसर फिटिंग करके। मैं आप लोगों को वेस्ट पाइप के जो अंदर में फ्लांज आप लोगों को सिलिकॉन लगाऊंगा और फ्लांज उसके अंदर बिठाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इसको क्या करना है दोस्तों, पकड़ से टाइट कर देना है। अगर आप लोगों का स्क्रेच पड़ जाता हो, स्क्रेच जैसे पकड़ से डायरेक्ट टाइट करोगे तो स्क्रेच पड़ जाएगा, उससे अच्छा कुछ कपड़ा वपड़ा सामने पड़ा हो तो कपड़ा देके टाइट करो तो स्क्रेच नहीं पड़ेगा। अभी उसमें सिलिकॉन लगाना है दोस्तों। मैं जो वाइसर यूज़ किया हूँ वो 40 mm में फिट आता है वो वाइसर, तो मेरा पाइप मैं यूज़ किया हूँ वेस्ट पाइप वो 50 mm का यूज़ किया हूँ, तो 40 mm फिट आता था, तो 50 mm में थोड़ा लूज पड़ता है, इसीलिए मैं सिलिकॉन लगा के फिट कर देता हूँ उसको। सिलिकॉन लगाने के बाद दोस्तों फ्लांज बिठा दूंगा तो उसमें वो चिपक जाएगा। और टाइल का जो चारों साइड खाली रहता है उसमें भी सिलिकॉन लगा दोगे तो क्या है, एक अच्छा लगेगा देखने में। देख सकते हो मैं सिलिकॉन लगा रहा हूँ, व्हाइट सीमेंट से अच्छा होता है दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है वो व्हाइट सीमेंट से बहुत अच्छा है। व्हाइट सीमेंट यूज ना करके अगर आप लोग सिलिकॉन यूज करोगे तो अच्छा रहेगा,
कॉमर्ट में हो, वालंग डब्ल्यूसी में हो, बेसिन में हो, हर जगह में सिलिकॉन यूज करोगे तो अच्छा रहता है। उसके बाद में कपड़ा से साफ कर देना है, देख सकते हो बढ़िया वाटर ट्रैप किट हो गया। और मैं सारे मेरे YouTube सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, इसीलिए कि जो मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने को चल रहा है, बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है दोस्तों। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता तो लाइक करो और एक बढ़िया सा कमेंट करके जाओ और सब्सक्राइब करो।